उर्दू की मौसी है। कितने की एक पुड़िया बनाते हैं? 10 रुपए। हम आए भाई बबेरू से, बबेरू महिला पुष्पाल बांदा। आज हम मौजूद है ग्राम टोला में, जो आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ के पुरानी परंपरा के तौर पे बहुत बड़ा दंगल का आयोजन रखा जाता है, जो हर वर्ष की भांति भी इस साल भी बहुत बड़ा इनामी दंगल आयोजित किया गया था। कार्यक्रम दंगल का पूरा होने के साथ में इधर मेला, जो स्थानों पर मेला लगाया गया हुआ है, और इधर देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं बड़े दूर दूर से दर्शक लोग आते हैं इस मेले और दंगल को देखने के लिए। हमारी जो प्रशासन की टीम है वो भीड़ को अपने कब्जे में रखते हुए लोगों को परेशानी न जाए, इस वजह से अपनी ड्यूटी को निभाते हुए खड़े हैं। और हम इधर अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि, और इधर हमारे बांदा जिले के बरेली क्षेत्र के जो कॉमेडी टीम उपलब्ध है, हम उनके होने कॉमेडी टीम के से बात करेंगे, जो देख सकते हैं इधर जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे लुक से आप सबके सामने खड़े हैं। और इधर हम भैया से बात करेंगे। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ से आप आए हैं? हम आए भैया बबेरू से। बबेरू से आए हैं? क्या आप कॉमेडी वीडियो दिखाते हैं लोगों को? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। पब्लिक में जाके हम लोग का पब्लिक का हंसाने का काम है। अच्छा। हाँ, तो लोगों को भैया जी का ये पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट करते हैं, और कहीं ना कहीं इधर देख सकते हैं कि आपका क्या नाम है पड़ेगा? उर्दू की मौसी है। और आप सबको हंसाने का काम हमारे टिक्कू भैया कॉमेडी जो यूट्यूब 90 के चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। भैया जी अपनी पूरी टीम के साथ में जोर शोर से पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट करते हैं। आज यहाँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो पूर्वोत्तर बहुत दिनों से चल रहा मेला है, और कहीं ना कहीं जो विराट इनामी दंगल का आयोजन कर रखा गया था, वहाँ पे भैया आए हैं, और हम इधर हमारे पास कुछ खास भैया जी खड़े हैं, उनसे बातचीत करें। नमस्कार भैया जी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? जी भैया मैं सिमोनी गांव से हूँ। तो इधर देख सकते हैं, तो आप लोग भैया इस कॉमेडी जो जो भी इनकी टीम है भैया जी, 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 तो इनको आपने पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट करने के लिए बुलाया? जी जी, हमने बुलाया है, और इनको हमने बुलाया है और इनको फोन किया हमने, तो भैया जी आए हैं घर पे। अच्छा। तो भैया जी अभी इस अपने हमारे ग्राम टोला में आ चुके हैं, और बहुत जोर शोर से अपनी प्रदर्शनी में घुस करके अब लोगों को मजेदार डोमिनेक्स कॉमेडी वीडियो आपको दिखाएंगे। और इधर मैं चाहता हूँ कि और लोग आए, उनसे हम बातचीत करेंगे, जो यहाँ बहुत दिनों से पुराने दंगल का आयोजन रखा गया था ग्राम टोला में, जो भैया जी है, इधर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया जी, कहाँ से हैं आप? बबेरू से। बबेरू से है। दंगल देखने आए हैं, कैसा दंगल लगा आपको? दंगल अच्छा लगा, टिक्कू के साथ में। अच्छा, टिक्कू कॉमेडी के टीम में है। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि दंगल का जो टाइमिंग है वो क्लोज हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और मेला और मेले में आने वाली दुकानें, अन्य उपकरण मिलने वाले लोगों के साथ में सब मौजूद है। अभी हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर भैया जी चाट के दुकान में अपना चना बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, भेल की दुकान है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भाई। कहाँ से आप दुकान लगाने आए मेला में? भैया दिसंदा से आप इस मतलब जो यहाँ पे मेला लगाया गया है, हर वर्ष लगता है, आप यहाँ मेला में बिसंडा से अपनी दुकान यहाँ पे लेके आए? हाँ भाई, बिसंडा से लेते हैं। मतलब क्या यूनिक यहाँ पे, आपको कैसा लगा कि हमारी बिक्री बिसंडा से यहाँ ज्यादा होगी क्या? देखो भाई, ये व्यापार है, यहाँ को ये फिक्स नहीं होता कि चीज में मिल जाए, ऊपर वाला बारिश करेगा कहीं कुछ ना होगा। अच्छा, ये बात सही है। हाँ, तो भैया कितने की पुड़िया बनाते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए की भैया पुड़िया बनाते हैं। आप लोग आइए और भैया की स्वादिष्ट नमकीन का मजा लीजिए। और इधर चाहूंगा प्रशासन की टीम अपनी अपनी कार्य पूरा कर रही है, अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, और हमारे इस मेला प्रदर्शनी में हमारे भैया जी अन्य अन्य प्रकार के खाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, आइसक्रीम, भेलपूरी, पानी पूरी, अन्य और मेला सामग्री में जो भी लगने वाले मेला दुकानें हैं, यहाँ पर आइए आप एक बार जो प्रदर्शनी का मजा लीजिए। और अपना कॉमेडी किसकी कॉमेडी के जो टीम है वो हमारी मेला प्रदर्शनी पर एंट्री कर चुकी है, और किस तरह मेला प्रदर्शनी में अपना लोगों के साथ में प्रदर्शन करवाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। अभी हम अन्य लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, और किस तरह शांति को बनाए रखे, सबसे ज्यादा हमारा यही अनुरोध है, क्योंकि प्रशासन के लोग भी अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, और भैया जी का क्या लुक रहता है।